नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, को फाउंडर बीएनटी राइनोज एंड वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 10 रेडी टू मूव इन ऑप्शंस ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। जी हाँ, द्वारका एक्सप्रेस वे पे रेडी टू मूव इन ऑप्शंस कौन से हो सकते हैं एट प्रेजेंट। हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव और बहुत सारे लोगों को आज की डेट में एट प्रेजेंट यू नो मेंटली थोड़ा सा टेंशन है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को लेके कि पता नहीं जो बिल्डर है वो प्रोजेक्ट को डिलीवर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और हो सकता है कई बार ऐसा भी हुआ है कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ मेंटली डिस्टर्बेंस चल रही है लोगों को, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को। आज की डेट में कई जगह बैंकों ने डिसबर्समेंट रोक दिया है बिकॉज ऑफ एक्स वाई जेड एबीसी किसी भी प्रॉब्लम की वजह से। सो दैट इज द रीजन मैं आपके लिए ये टॉप 10 रेडी टू मूव इन ऑप्शन लेके आया हूँ। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, और अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मेक श्योर चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस मैं लगातार लेके आता रहता हूँ। और अगर आपने हमारे चैनल का एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपना लाखों करोड़ों रुपये का लॉस कर दिया, क्योंकि हम आपकी हेल्प करते हैं सही टाइम पे सही बिल्डर के साथ सही लोकेशन पे सही प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करवाने के अंदर और एग्जिट करने के अंदर भी। All right, so let's start and let me show you the top projects and top properties on द्वारका एक्सप्रेस वे। तो ये मास्टर प्लान आप देख सकते हैं और यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। कुछ प्रॉपर्टी सेक्टर 111, 113 के अंदर 112 में है, फिर 106 में भी प्रॉपर्टीज हैं, कुछ 108 सेक्टर है यहाँ पे प्रॉपर्टीज है, 104 में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे जो दिल्ली के नियरेस्ट सेक्टर है उसके अंदर मैं आपको मैक्सिमम ऑप्शंस बताऊंगा। सो लेट मी टेल यू वन बाय वन, और उनके अंदर क्या कॉन्फ़िगरेशन अवेलेबल है, कौन सी लोकेशन है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जो पहला रेडी टू मूव इन ऑप्शन है वो है आपका जस्ट ए मोमेंट, वो है आपका एक्सपीरियन का विंचेंट सेक्टर 112 के अंदर, जहाँ पे आपके पास 2 बेडरूम 3 बेडरूम 4 बेडरूम अपार्टमेंट्स मिलते हैं, विलामेंट्स विलास पेंट हाउस एलएनटी ने इसकी कंस्ट्रक्शन करी हुई है, ऑलरेडी फैमिली यहाँ पे रह रही हैं। 2400 से 6400-6700 स्क्वायर फीट तक के अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पे, कुछ इससे थोड़े बड़े भी पेंट हाउसेज अवेलेबल है यहाँ पे, विलास के ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और जो 12,500 से 13,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास का यहाँ पे रेट चल रहा है आज की डेट में, तो लगभग 2.5 करोड़ से लेकर और 8-9 करोड़ तक की इन्वेंट्रीज आपको यहाँ पे मिल सकती है द्वारका एक्सप्रेस वे पे। सेकेंड ऑप्शन अगर मैं द्वारका एक्सप्रेस वे पे कंसिडर करूँ रेडी टू मूव इन ऑप्शन के अंदर, तो वो है आपका एमरल्ड बे। तो एमरल्ड बे पूरी कंस्ट्रक्शन एक बिल्डर है, काफ़ी रेप्यूटेड बिल्डर है, जिन्होंने बहुत सारे बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं ऑलरेडी, बिल्डर्स का भी काम करा था। फॉर एग्जांपल अगर आपने नाम सुना हो गोल्फ कोर्स रोड पे पाम स्प्रिंग, तो वो उसकी कंस्ट्रक्शन इन्होंने करी थी, जो एमआर के लिए एक प्रोजेक्ट बिल्ड करा था, उसके बाद सेपरेटली अपनी भी कंपनी इन्होंने बिल्ड करी हुई है एज अ बिल्डर, तो काफ़ी रेप्यूटेड बिल्डर है ये भी। तो इनका एक प्रोजेक्ट है एमरल्ड बे 104 सेक्टर के अंदर, 2 and 3 बेडरूम इन्वेंट्रीज अवेलेबल है यहाँ पे 1550 से 2450 के फिट, 1550 मोस्टली सोल्ड आउट हो चुकी है, 1550 और 1700 वाली 2450 के फिट में कुछ इन्वेंट्रीज आपको मिल जाएगी, 12,500 से 13,000 रुपये पर स्क्वायर फिट के आसपास का रेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और बिल्कुल बैंक ऑन 150 मीटर द्वारका एक्सप्रेस वे से इसका एक्सेस इस प्रोजेक्ट का रेडी टू मूव इन कंडीशन के अंदर है। थर्ड प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूँ आपसे यहाँ पे रेडी टू मूव इन कंडीशन के अंदर, वो है आपका टाटा लाविदा। तो टाटा लाविदा के अंदर 3 बेडरूम और 3 बेडरूम प्लस लॉन्च के ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे कुछ जो फेज वन था उसका पोजीशन ऑलरेडी दे चुके हैं, रेडी टू मूव इन कंडीशन के अंदर है, उसके ठीक सामने प्रोजेक्ट हो रहे गुड़गांव गेटवे।
तो वो दो प्रोजेक्ट्स तो अभी रेडी टू मूव इन कंडीशन के अंदर, टाटा लाबिदा के दो टावर्स हैं अभी, तो वो अभी इस स्टेज में है कि वहाँ पे स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है और व्हाइट वॉश भी लगभग हो रहा है, तो अगले एक साल के अंदर अंदर आपको पोजीशन मिल जाएगा। तो ये उस टाइप का पोजीशन है, उस टाइप की इन्वेंट्रीज अवेलेबल है। 2217 से 2690 के फीट तक के ऑप्शन है, 11,500 से 12,500 रुपए के बीच में आपको यहाँ पे मिल जाएगी चीजें। नेक्स्ट ऑप्शन अगर मैं आपसे बात करूं द्वारका एक्सप्रेस वे पे रेडी टू मूव इन का, वो आ जाता है शोभा सेक्टर 108 के अंदर। तो यहाँ पे 2, 3 और 4 बेडरूम की इन्वेंट्रीज अवेलेबल है, तो 2 और 3 की इन्वेंट्रीज बहुत लिमिटेड इन्वेंट्रीज है, रीसेल मार्केट में आपको मिलेंगी। 3 और 4 बेडरूम की कुछ इन्वेंट्रीज आपको मिल जाएगी। 2073 से 2900 स्क्वायर फीट के आसपास का साइज है यहाँ पे जो अवेलेबल है। इनफैक्ट अभी 2300 वाला साइज मिलेगा यहाँ पे आपको, 2000 वाला भी सोल्ड आउट हो चुका है अभी। तो 2300 अप्रॉक्सीमेटली साइज आपको यहाँ पे मिलेगा, 2300 से 2900, और 15,000 से 17,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास का यहाँ पे रेट चल रहा है। नेक्स्ट अगर मैं ऑप्शन आपसे बात करूं रेडी टू मूव इन कंडीशन के अंदर, तो वो है डिप्लोमेटिक ग्रीन्स। तो डिप्लोमेटिक ग्रीन्स सेक्टर 111 के अंदर एक प्रोजेक्ट है रेडी टू मूव इन, और यहाँ पे 3 बेडरूम 4 बेडरूम और विलास अवेलेबल है, और 1700 से लेकर 4500 स्क्वायर फीट तक का ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे, और कुछ इन्वेंट्री आपको यहाँ पे रीसेल मार्केट के अंदर ही, सेकेंडरी मार्केट के अंदर इन्वेंट्रीज मिल पाएगी। बिल्डर के पास यहाँ पे कोई इन्वेंट्रीज नहीं है। 12,500 से लेकर 14,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक का रेट यहाँ पे चल रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ रेडी टू मूव इन कंडीशन के अंदर, तो वो है आपका वाटरफॉल रेजिडेंसीज। तो ये एग्जैक्टली रेडी टू मूव इन तो नहीं है, बट अगले एक साल के अंदर अंदर आपको यहाँ पे पोजेशन मिल जाएगा। स्ट्रक्चर इसका रेडी है इस प्रोजेक्ट का, और लगभग व्हाइट वॉश का काम स्टार्ट हो चुका है लगभग। ऑल राइट, 36A के अंदर इसका लोकेशन है, बिल्कुल जो आपका ग्लोबल सिटी है उससे ठीक लगती हुई लोकेशन है। 65 एकड़ के अंदर टोटल लैंड पार्सल है कृषि भूमि के पास, उसमें से कुछ लैंड पार्सल पे ये यहाँ पे 3 टावर्स डेवलप कर रहा है कृषि भूमि। 2 और 3 LD के ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे, और LD के बेसिकली एक जापानीज कॉन्सेप्ट है, और ये जो कृषि भूमि है ये भी ज्वाइंट वेंचर है कृष्णा मोटर कॉर्प इंडिया का और सुमीमोटो जो जापानीज कंपनी है, उन दोनों का ज्वाइंट वेंचर है। 1478 से लेकर 2538 स्क्वायर फीट तक के साइज अवेलेबल है, 1450 से 1550 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास का आपको रेट मिलेगा यहाँ पे। नेक्स्ट अगर रेडी टू मूव इन ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो वो है आपका गोदरेज समिट, और ये इसकी लोकेशन है सेक्टर 104 द्वारका एक्सप्रेस वे से बिल्कुल थोड़ी सी ऑफ लोकेशन है। इसमें थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट क्या है कि इसकी जो लोकेशन है एक्सेस रोड है वो पीजे की तरफ से, और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी थोड़ी एवरेज है। और राइट, सो बहुत सुप्रीम क्लास की आप कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एक्सपेक्ट ना करना यहाँ पे, ऑनेस्टली मैं आपको यहाँ पे बताऊँ। यहाँ पे आपके पास 2, 3, 4 बेडरूम और कुछ पेंट हाउस के ऑप्शन अवेलेबल हैं। 1400 से 2600 स्क्वायर फीट तक के, 6,000 से 7,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक का रेट है यहाँ पे। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ आपसे द्वारका एक्सप्रेस वे पे रेडी टू मूव इन, तो वो है आपका इंडिया बुल्स का एनिग्मा सेक्टर 110 के अंदर। 4 और 5 बेडरूम की इन्वेंट्रीज अवेलेबल है यहाँ पे, रीसेल में ही मिलेगा आपको यहाँ पे। बिल्डर की तरफ से कम्प्लीटली सोल्ड आउट के प्रोजेक्ट है। 3265 से लेकर 7,500 स्क्वायर फीट तक के अपार्टमेंट है, 9,500 से 11,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक का रेट है। लोकेशन इसकी बिल्कुल अच्छी है, बिल्कुल आपका सेक्टर 110 के अंदर आपका बिल्कुल 150 मीटर द्वारका एक्सप्रेस वे से इसका एक्सेस है। 9th रेडी टू मूव इन ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो वो है आपका एक्सपीरियन का हर्ट सॉक सेक्टर 108 के अंदर। 2, 3, 4 बेडरूम की इन्वेंट्रीज है यहाँ पे प्लस पेंट हाउसेज, तो मोस्टली इन्वेंट्रीज यहाँ पे भी सोल्ड आउट है। तो साइज जो है 1283 से 2280 स्क्वायर फीट के आसपास है, 7,500 से 9,500 रुपये पर स्क्वायर फीट तक का रेट है, रीसेल में आपको ये मिलेगा। 10th ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो वो है यहाँ पे आपका गुड़गांव गेटवे, अगेन टाटा का प्रोजेक्ट है सेक्टर 112 के अंदर, रेडी टू मूव इन कंडीशन के अंदर है। 2 और 3 बेडरूम की इन्वेंट्रीज है, 1590 से लेके 2925 स्क्वायर फीट, 12,500 से 13,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का आसपास का यहाँ पे रेट है। सो आई होप आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल गई होगी यहाँ पे कि कौन कौन से ऑप्शंस रेडी टू मूव इन कंडीशन के अंदर आपको मिल सकते हैं द्वारका एक्सप्रेस वे पे। और अगर आप हमारी प्रोफेशनली हेल्प लेना चाहते हो यहाँ पे इनमें से किसी भी प्रोजेक्ट में फाइनलाइज करने के लिए, तो आप इन दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट हमको कर सकते हैं, हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी बेस्ट पॉसिबल ट्रांजेक्शन यहाँ पे एक्सपीरियंस करवाने के अंदर।
और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर अभी तक आपके माइंड में थोड़ा सा डर बैठा हुआ है कि पता नहीं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज है, बैंक लोन देगा या नहीं देगा, और डिसबर्समेंट होगा या नहीं होगा, कल को आपको पोजीशन टाइम पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्डर भाग तो नहीं जाएगा, तो अगर आपके माइंड में उस टाइप के अप्रीहेंशन हैं, डर है, तो आप इन में से भी कुछ ऑप्शन कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पे आपको रेडी टू मूव इन है, चीज़ दिख रही है सामने बनी हुई, और वो जो डर था वो आपके माइंड से यहाँ पे निकल सकता है। ऑलराइट, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। कैसे अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, सवाल है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो या इन दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लग गया हो तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो लोग भी द्वारका एक्सप्रेस वे पे रेडी टू मूव इन ऑप्शन देख रहे हैं और जिनके माइंड में डर है कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज के अंदर उनको अभी नहीं जाना चाहिए, दिस इज नॉट द राइट टाइम, तो उनके लिए आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मेक श्योर चैनल का इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस मैं लगातार लेके आता रहता हूँ। और अगर आपने हमारे चैनल का एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपना लाखों करोड़ों रुपये का लॉस कर दिया, क्योंकि हम आपकी हेल्प करते हैं सही टाइम पर सही बिल्डर के साथ, सही लोकेशन पर सही प्रॉपर्टीज का सिलेक्शन करवाने के अंदर और एग्जिट करने के अंदर। सो विद दिस लास्ट मैसेज, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग। क्लियर, मिलता हूँ अभी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।